गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक राष्ट्रीय एकीकरण भारतीय राजव्यवस्था के सम्मुख समस्याएं। हमारा ये टॉपिक पहले से चल रहा है, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं। भारतीय राजव्यवस्था के सम्मुख समस्याएं, हमारा एक नंबर टॉपिक हमने किया था आतंकवाद, दो नंबर हमने किया था जातिवाद, तीन नंबर टॉपिक हमने किया था धर्म और सांप्रदायिकता, धर्म और सांप्रदायिकता, चार नंबर जो हमारा टॉपिक था वो था आतंकवाद, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता। और पांचवी जो मुख्य समस्या है भारतीय राजव्यवस्था के समक्ष वो है मिली जुली सरकार, मिली जुली या फिर गठबंधन, गठबंधन सरकार। भारतीय राजव्यवस्था के समक्ष हमने पांच समस्याओं का अध्ययन कर, चार का पूर्ण कर दिया, आतंकवाद, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद और पांचवी जो मुख्य समस्या है मिली जुली सरकार या फिर गठबंधन की सरकारें। मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकारें भारतीय राजव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है, भारतीय राजव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, मिली जुली सरकारों का गठबंधन की सरकारों के क्या गुण हैं, क्या दोष है, इस टॉपिक का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, इसी टॉपिक को संसदीय शासन व्यवस्था एक दलीय, एक दलीय या और एक दलीय और मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार, हमें मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार के अध्ययन के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक दलीय सरकार और मिली जुली सरकार क्या है, इस चीज का हमें अध्ययन मुख्य रूप से करना है। भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा राज्य तथा केंद्रीय दोनों सरकार, दोनों जो सरकारें हैं उसमें संसदीय व्यवस्था को बनाया गया है। संसद शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है, व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका का गठन, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से किया जाता है। इस कारण जब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, इस कारण क्या रहता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का हमारा अर्थ यह है, उत्तरदायित्व का हमारा अर्थ यह है कि वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल उसी तरह अपने पद पर रहते हैं, उसी प्रकार अपने पद पर रहते हैं जब तक उसे व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त है, जब तक उसे व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त है। व्यवस्थापिका का मतलब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार लोकसभा में और राज्य स्तर पर विधानसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक कार्यपालिका अपने पद पर रहती है। साधारण तन की भाषा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता क्योंकि इनका कार्यकाल व्यवस्थापिका पर टिका होता है, व्यवस्थापिका के अनुसार होता है। इस संसदीय व्यवस्था में ये जो हमारी कौन सी शासन व्यवस्था है, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के चुनाव होते हैं।
सबसे पहले क्या है तो इस पत्रिका की लोकप्रिय सदन केंद्रीय स्तर पर लोकसभा का और राज्य स्तर पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हो जाता है तो उस राजनीतिक दल का एक नेता चुन लिया जाता है, तब राज्य का प्रधान राष्ट्रपति या राज्यपाल बहुमत दल के नेता को केंद्रीय सरकार पर तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है। इस प्रकार क्या रहता है, एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है जब एक दल की सरकार को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं एक दल की, तो इस प्रकार से एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है। राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री पद के रूप में मनोनीत करता है, केंद्र में संघीय सरकार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत करता है। इस प्रकार से एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है। लेकिन लेकिन जब चुनाव में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के होते हैं विधानसभा के होते हैं, किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो इस प्रकार की जो लोकसभा या राज्य विधानसभा बनती है वो त्रिशंकु विधानसभा त्रिशंकु लोकसभा बनती है। तब राजनीतिक दलों जब इस प्रकार की त्रिशंकु सरकार बनती है, तो त्रिशंकु सरकार में त्रिशंकु विधानसभा और त्रिशंकु लोकसभा, जब इस प्रकार की सरकार बनती है, जब इस प्रकार का बहुमत मिलता है, इस प्रकार का जनाधार मिलता है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए हमें कौन सी सरकार की जरूरत होती है, या एक दलीय रह नहीं पाती, फिर हमें कौन सी सरकार की जरूरत पड़ेगी, मिली जुली। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के बीच एक गठबंधन देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जो गठबंधन राज्य के प्रधान को अपने बहुमत में आश्वस्त देता है, उस गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब इस प्रकार से जब एक दल को सरकार नहीं मिलती है, त्रिशंकु विधानसभा त्रिशंकु लोकसभा का निर्माण किया जाता है, तो उसमें कई दल मिलकर एक सरकार बनाने का आश्वासन देते हैं और उसके नेता को सरकार बनाने के लिए राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या मिली जुली सरकार का गठबंधन होता है। इस प्रकार मिली जुली सरकारें एक ऐसी सरकार होती है, जिसमें कम से कम दो और अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या, एक दल की सरकार का मतलब क्या, एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया। गठबंधन की सरकार का मतलब एक दल को नहीं मिलता है तो कई दो दल या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। कम से कम दो दल होते हैं, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, और कई कई बार इससे अधिक भी होती है। 1999 में जब भारतीय लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 54 दलों की सरकार द्वारा मिलकर एनडीए का गठन किया गया था, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। लेकिन मिली जुली सरकार का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार से कम दो दलों का भागीदारी होना आवश्यक है, यानी मिली जुली सरकार का नाम तभी मिलेगा जब कम से कम दो हो अधिक से अधिक होती है। मिली जुली सरकार क्या है, मतभेद होते हैं उनके, अलग अलग क्षेत्र की दल होती है, अलग अलग विचारधारा की दल होती है, मतभेदों के बाद एक संवेद छोर होता है। ऊपर से देखने पर गठबंधन की सरकारें कितनी भी मजबूत प्रतीत हो परंतु उनके अंदर मतभेद विद्यमान होते हैं। भागीदार दलों के बीच विद्यमान राजनीतिक मतभेद ही दलों को अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। मिली जुली सरकारों को हम सीमित राजनीति का परिणाम होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सीमित की इस राजनीतिक चुनाव में पूर्व या चुनाव के पश्चात भी कर सकते हैं। मिली जुली सरकारें चुनाव से पहले भी हो सकती है, चुनाव के बाद भी हो सकती है। चुनाव से पूर्व जो गठबंधन होते हैं उनमें अवसरवादिता का चलन कम होता है, और चुनाव के बाद जो गठबंधन होते हैं उनमें अवसरवादिता होती है, क्योंकि पहले तो सभी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और बाद में अवसरवादिता को देखते हुए एक दूसरे के साथ गठबंधन कर देते हैं।
साथ साथ काम करने का आधार बन जाता है। चुनाव के पश्चात और चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए जो गठबंधन बनाए जाते हैं उनमें अवसरवादिता का तत्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है। यही बात इन गठबंधनों को कमजोर करती है, यही बात इन गठबंधनों को कमजोर करती है। ये है दो बातें, जब एक दल की सरकार चलती है तो एक दलीय और जब कई दलों दो से अधिक दलों की सरकार चलती है तो मिली जुली दल सत्ता। सीधी सी बात है, एक दलीय सरकार में चुनाव से पूर्व जो दल होता है उसको चुनाव के बाद बहुमत मिलता है। मिली जुली सरकार में दो प्रकार होते हैं, कुछ तो चुनाव से पहले गठबंधन बना लेते हैं उसमें अवसरवादिता के अवसर मिलता, कुछ चुनाव के बाद गठबंधन बना लेते हैं उनमें अवसरवादिता का जन्म होता है, उनमें अवसरवादिता की भावना होती है। दूसरा हम इसमें करते हैं मिली जुली सरकारों के लक्ष्य, मिली जुली या गठबंधन, गठबंधन सरकार के लक्ष्य, मिली जुली सरकार के लक्षण क्या होते हैं इसका हमें अध्ययन करना है, इसे अपने समझना है। मिली जुली सरकार के लक्षण क्या होते हैं, तो मिली जुली सरकार के लक्षणों की बात करते हैं हम। इस प्रकार की सरकार जैसे कि हमने अध्ययन किया, सबसे पहले एक दल को बहुमत नहीं होता, कई दलों को बहुमत मिलता है, कम से कम दो दल मुख्य होते हैं। इस प्रकार के इसके कुछ लक्षण है जिनका हम देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण जैसा कि मैंने कहा, मिली जुली सरकार एक दल की नहीं होती। दूसरा लक्षण, दो या दो से अधिक दल होते हैं। तीसरा लक्षण, इनका लक्ष्य यह होता है कि भागीदारी गठबंधन गठबंधन की राजनीति से कुछ प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। लक्ष्य सार रूप से कुछ भी प्राप्त होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्त होते हैं। नंबर तीन, गठबंधन की सरकार गठबंधन का दल एक अस्थायी राजनीति होती है, एक अस्थायी से प्रबंधन होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपनी राजनीतिक शक्ति की वृद्धि अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। पांचवा जो हमारा गठबंधन की सरकार का मुख्य लक्ष्य रहता है, यह सरकारें गठबंधन की सरकारें एक समझौते के आधार पर होती है, उनके मध्य एक समझौता होता है, दो या दो से अधिक दलों के मध्य एक समझौता होता है जिसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति का कोई स्थान नहीं होता, कठोर राजनीति कोई स्थान नहीं होता। मिली जुली सरकारें एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है कि हमें ये कार्य करना है, जिसे तत्व की भागीदारी का सभी दृष्टिकोण सभी राजनीति तक मान्य करते हैं। नंबर छह, मिली जुली सरकारें संकल्प और प्रबंधन की एक मूलभूत विकास क्षमता होती है, एक मूलभूत विकास है। यह विकास अनेक रूपों में हो सकता है, सरकार नई चुनौती सामना करने के लिए हो सकता है, विशेष तकनीकी के लिए हो सकता है, अतिरिक्त शक्ति का सामना करने के लिए हो सकता है। इस प्रकार मिली जुली सरकारों के छह लक्षण होते हैं, एक प्रिय एक दल की सरकार नहीं होती, दूसरी कई दलों के मिलकर बनी होती है, दो या दो से अधिक दल, तीसरा इनका लक्ष्य साफ रूप से प्राप्त करना होता है, चौथा ये अस्थायी प्रबंधन होता है, पांचवा इनके समझौता होता है, छठा इनमें विकास होता है। ये छह मिली जुली सरकारें या गठबंधन की सरकारों के लक्षण है। नेक्स्ट है मिली जुली सरकारों या कुछ सरकारों के प्रतिमान, मिली जुली सरकारों के प्रतिमान, मिली जुली सरकारों के प्रतिमान कौन कौन से होते हैं, मिली जुली सरकारों के रूप कौन कौन से होते हैं, प्रतिमान मतलब रूप कौन कौन से रूप होते हैं मिली जुली सरकारों के। तो मिली जुली सरकारों के लिए एक नहीं बल्कि कई प्रतिमान होते हैं, क्योंकि कई लोग मिलकर कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं। मिली जुली सरकारों के कुछ प्रतिमानों को अपने किस प्रकार कर सकते हैं, एक प्रतिमान के लिए होता है एक दल की प्रधानता का प्रतिमान, एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन, ऐसा गठबंधन बनाया जाता है जिसमें
बाकी लोगों की भागीदारी न्यूनतम होती है और एक दल प्रभावशाली होता है। इसका उदाहरण वर्तमान में केंद्र सरकार और कार्य सरकार को हम देख सकते हैं, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन को देख सकते हैं, जिसमें एक दल बीजेपी प्रधानता वाला गठबंधन है, बाकी पार्टियां बाकी दल उसके सहयोगी है। इस गठबंधन में एक राजनीतिक दल की प्रधानता होती है, एक या अधिक छोटे राजनीतिक दल उस दल के साथ जुड़ जाते हैं। ये छोटे राजनीतिक सरकार जीवन और कार्यकाल को प्रभावित करती है लेकिन नियंत्रित नहीं करते। वो छोटे दल उसको कार्यकाल को प्रभावित तो करते हैं पर सरकार को नियंत्रित नहीं करते। सामान्य स्थिति ये होती है कि छोटे राजनीतिक दल की सरकार को अलग हो जाने पर सरकार बनी रहती है। मिली जुली सरकार का प्रतिमान कुछ अर्थों में एक दल के सरकार के समान आचरण करता है। विशेष रूप से ये स्थिति उस समय होती है जब मिली जुली सरकारों का नेतृत्व एक शक्तिशाली राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, जैसा 1981 से 2003 तक ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की मिली जुली सरकार का नेतृत्व था। पश्चिम बंगाल में 1981 से 2003 तक मार्क्सवाद का प्रभाव सरकार दूसरे दल ने सहयोग किया। नंबर दो, एक तो है एक दल की प्रधानता वाला गठबंधन, नंबर दो, दूसरा है लगभग शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन, लगभग शक्तिशाली दो परस्पर लगभग शक्तिशाली दो परस्पर विरोधी गठबंधन। ये वो गठबंधन है जो शक्तिशाली है परस्पर विरोधी है, दोनों समान रूप से शक्तिशाली है फिर भी दोनों में गठबंधन है। ये गठबंधन सामान्य चुनाव से पूर्व बन जाती है, राज्य की राजनीति में इन ये गठबंधन दो गठबंधनों में बढ़ जाती है। क्यों? इसका उदाहरण केंद्र की राजनीति में दो गठबंधन बने, एक सूक्ष्म लोकतांत्रिक गठबंधन जिसको हम यूपीए बोलते हैं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया गया, दूसरा है संयुक्त मोर्चा गठबंधन जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी दल द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में सामान्य जनता के ही निर्णय दे देती है किस गठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी और किस गठबंधन को नहीं होगी। ये तो राज्य की राजनीति है। भारत की राजनीति में 1989 के बाद दो गठबंधन बने, एक यूपीए और एक एनडीए। अब वो प्रभावशाली गठबंधन है दोनों समान रूप से, सरकार किनको दे समर्थन, जनता किनको समर्थन दे के मजबूत होता है। नंबर तीन, निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक गठबंधनों का गठबंधन, निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन, निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। यह अनेक राजनीतिक दलों का ऐसा गठबंधन है जिसमें भागीदारी दल किसी अन्य राजनीतिक दल को अपना समान और शक्तिशाली शत्रु बल मानता है तथा उस शक्तिशाली शत्रु को सत्रह से दूर करने के लिए। अब इसमें क्या है, ऐसा गठबंधन बनाया जाता है जो गठबंधन सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है कि उसमें सामने वाला जो शक्तिशाली दल है उसको कमजोर करने के लिए, उसको सरकार से बाहर करने के लिए कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे हम निषेधात्मक गठबंधनों में एक दल की प्रधानता होगा जिसमें एक दल प्रभावशाली होता है, लगभग दो विरोधी दल जिसमें हमें केरला वाला उदाहरण दिया, जिसमें एक का कांग्रेस प्रभावित था, एक साम्यवादी प्रभावित था। तीसरा निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का मतलब एक दल मजबूत है उसको रोकने के लिए सारे दल एक हो जाते हैं। नंबर चार, राष्ट्रीय सत्ता, राष्ट्रीय सत्ता, गठबंधन का चौथा जो प्रतिमान है, चौथा जो रूप है राष्ट्रीय सरकार के रूप में होता है। इसे राष्ट्रीय सरकार का गठबंधन
सामान्य राष्ट्रीय संकट, बाहरी आक्रमण या अन्य कोई गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय सरकार में देश के सभी राजनीतिक दल शामिल होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। भारत में राष्ट्रीय सरकार के गठन की परिस्थितियां जो पैदा हुई 1979 में हुई थी, 1996 में हुई थी, 1997 में हुई थी, वो विभिन्न सत्रों पर चली, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय सरकार का कोई गठबंधन नहीं हुआ। 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार का मिली जुली सरकार का गठन हुआ, लेकिन वह मिली जुली संगठित सरकार इन सभी प्रतिमानों से अलग अटकल थी। 16वीं लोकसभा में जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता गठबंधन NDA नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन को भारी सफलता मिली। भाजपा को अकेले ही 282 सीटों पर विजय प्राप्त कर चुनाव स्पष्ट बहुमत हुआ। इससे गठबंधन की भागीदारी में मनमानी या दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। ये था हमारा आज का जो आज हमने मिली जुली सरकारों की बात की, संसदीय शासन व्यवस्था मिली जुली और देखने लिए मिली जुली सरकारों के लक्षण, मिली जुली सरकारों के रूप कौन कौन से। नेक्स्ट जो हमारा है इसी में भारतीय राजतंत्र में मिली जुली सरकार, भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार, भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार। सामान्यतः यह सोचा जाता है कि द्विदलीय व्यवस्था में एक दलीय सरकार का गठन होता है। बहुदलीय व्यवस्था में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण मिली जुली सरकार का गठन करना होगा। भारत लंबे समय से एक सामान्य नियम का अपवाद रहा और इस स्थिति का कारण यह है कि भारत की बहुदलीय व्यवस्था में एक राजनीतिक दल की प्रधानता प्राप्त रही। 1947 से लेकर 1966 की स्थिति ये थी कि कांग्रेस को केवल केंद्र और वरना अधिकांश राज्यों के स्तर पर भी प्रधानता प्राप्त स्थिति थी। 1976 के वर्षों में पुनः 1981 काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने उनकी स्थिति पुनः प्राप्त करी। इस प्रकार भारत में संवैधानिक इतिहास में एक दल की सरकार एक सामान्य स्थिति के रूप में मिली जुली सरकारें अफवाह के रूप में रही, लेकिन इसके बाद केंद्रीय स्तर पर अधिकांश राज्य सरकारों में एक सामान्य मिली जुली सरकारों की स्थिति बन गई। भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो प्रधान स्थिति प्राप्त थी वह समाप्त होगी। कोई एक राजनीतिक दल कांग्रेस के पतन के उत्पन्न में शून्य नहीं भर पाया। 2014 में लोकसभा चुनाव के लगभग 3 दशक बाद लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल भाजपा को स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त हुआ। इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अद्भुत सफलता प्राप्त की। भाजपा को अकेले ही 282 सीटें विजय होकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इसके साथ ही देश की राजनीति में सरकारों का दौर पुनः प्राप्त हो गया। तो मिली जुली सरकारों के लिए हम जो अध्ययन करेंगे वो दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, एक राज्य स्तर पर मिली जुली सरकारें, दो केंद्रीय स्तर पर मिली जुली सरकारें। राज्य स्तर पर मिली जुली सरकार, दूसरा है केंद्रीय स्तर पर मिली जुली सरकार। ये हम सरकार और ये अध्ययन हमने अगले वीडियो में करेंगे। आज तो हमने हमारा मुख्य टॉपिक यह था BA पार्ट से पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय शिक्षक राष्ट्र एकीकरण या भारतीय राजव्यवस्था की मुख्य समस्या। इसमें मुख्य 5 समस्याएं हैं, तो एक राष्ट्र एकीकरण और भारतीय राजव्यवस्था की समस्या। नंबर 1 आतंकवाद, नंबर 2 जातिवाद, नंबर 3 धर्म और सांप्रदायिकवाद, नंबर 4 क्षेत्रवाद, नंबर 5 मिली जुली सरकार। ये 4 जो टॉपिक है ये हमने पूर्व में किए। 5वां जो मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार है, इसमें हमने गठबंधन की सरकार में सबसे पहले हमने संसदीय शासन व्यवस्था एक दलीय और मिली जुली सरकार की बात की, एक दल तो एक दल की
और मिली जुली दो से अधिक दिन होगी। फिर हमने मिली जुली सरकारों के छह लक्षणों की बात की कि मिली जुली सरकारों के लक्षण कौन है, फिर मिली जुली सरकारों के या गठबंधन सरकार के रूप कौन कौन से, एक दल की प्रधानता वाला लगभग शक्तिशाली दो प्रधान दल निषेधात्मक राजनीतिक दल और राष्ट्रीय सरकार। और इस प्रकार भारत में राजनीति में मिली जुली सरकारों का अध्ययन हम दो रूप में करेंगे, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इन दोनों का अध्ययन हम कल करेंगे। कल तक आप इस वीडियो द्वारा अध्ययन करते रहे, पीछे वाले वीडियो भी पढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।